हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी फॉर गोल्स मैं मिताली आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे तो चलिए फ्रेंड्स हम आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आज की सीरीज में रखे गए हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कनाडा बांध किस नदी पर है ऑप्शन नंबर ए मयूराक्षी ऑप्शन नंबर बी स्वर्णलेखा ऑप्शन नंबर सी दामोदर या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं तीन तो चारों ऑप्शंस में आपको चूज करना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मयूराक्षी कनाड़ा बांध कहाँ है तो मयूराक्षी नदी पर स्थित है ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर ए बाघ ऑप्शन नंबर बी शेर ऑप्शन नंबर सी हाथी ऑप्शन नंबर डी घोड़ा तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाघ बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है ठीक है अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावा लोंग अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है ऑप्शन नंबर ए चतरा ऑप्शन नंबर बी दुमका ऑप्शन नंबर सी गुमला ऑप्शन नंबर डी लातेहार तो इसमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चतरा लावालोंग अभ्यारण झारखंड के चतरा जिले में स्थित है अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड ने अपने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया ऑप्शन नंबर ए पंद्रह अगस्त दो हजार बीस ऑप्शन नंबर बी चौदह अगस्त दो हजार बीस ऑप्शन नंबर सी पंद्रह नवंबर दो हजार बीस या फिर ऑप्शन नंबर डी छब्बीस जनवरी दो हज़ार बीस तो इसका राइट right आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए पंद्रह अगस्त दो हज़ार बीस ठीक है अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल से निष्कासन के बाद मौलाना आज़ाद 1916 से 1920 ईस्वी तक कहाँ रहे थे ऑप्शन नंबर ए रामगढ़ ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग ऑप्शन नंबर सी रांची या फिर ऑप्शन नंबर डी धनबाद तो इसका राइट right आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रामगढ़ रामगढ़ में क्या हुआ था तो बंगाल से निष्कासन के बाद मौलाना आज़ाद 1916 से 1920 ईस्वी तक रामगढ़ में रहे थे अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड के द्वारा कुपोषण से निपटने के लिए शुरू की गई सामर का पूर्ण रूप क्या है ऑप्शन नंबर ए स्ट्रैटेजी एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन ऑप्शन नंबर बी स्टेट एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मल न्यूट्रेशन एंड एनामिया रिडक्शन ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मल न्यूट्रिशन एंड एनामिया रिडक्शन या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मल न्यूट्रेशन एंड एनीमिया रिडक्शन यानी एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करने के उद्देश्य से समर अभियान की शुरुआत की गई थी ठीक है अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगी अगर आप जे पी एस सी जे एस एस सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें एट नाइन एट सिक्स डबल सेवन टू सेवन थ्री थ्री पर आप मैसेज करके आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ नाइन्टी नाइन रुपीज लग रहे हैं वो भी सिक्स मंथ के लिए यहाँ से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड आपको कराए जाएंगे और साथ ही साथ आपको कंप्लीट सिलेबस की प्रिपरेशन भी आपको कराई जाएगी और उसके बाद आपको डेली क्लास की पीडीएफ आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी जो भी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे होंगी उनके सारे कंटेंट आपको जो भी कंटेंट हैं वो सारे आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे और आप अपनी कोई भी क्वेरीज जो जे और जे से रिलेटेड हो या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए आप अपने मेंटर से भी बात कर सकते हैं तो अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं एट नाइन एट सिक्स डबल सेवन टू सेवन डबल थ्री पे तो चलिए फ्रेंड्स आज की सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिखर को छूते ट्राइबल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ऑप्शन नंबर ए संदीप मुरारका ऑप्शन नंबर बी मुदिता चंद्रा ऑप्शन नंबर सी अभिषेक आनंद ऑप्शन नंबर डी विनोद बिहारी महतो तीन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संदीप मुरारका हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पांच पुस्तकों का लोकार्पण किया गया है जिसमें जमशेदपुर के संदीप मुरारका की पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स भी एक है और और जो बाकी के चार पुस्तक हैं वो हैं एक प्लासिका एवं विजन टेक्निक जो विनोद बिहारी महतो के द्वारा लिखा गया है और एक है महात्मा गांधी विचारधारा और वर्तमान युग में प्रासंगिकता यह मुदिता चंद्रा के द्वारा लिखा गया है हायर एजुकेशन इन इंडिया प्रोस्पेक्टिव डायमेंशन यह अभिषेक आनंद जी के द्वारा लिखा गया है और मीर अत कथा सुनाओ डॉक्टर ममता बनर्जी के द्वारा लिखा गया है ठीक है अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेक्षण 2020 में 100 से कम यू वाले राज्यों में से किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड ऑप्शन नंबर बी झारखंड ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर डी सिक्किम तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी झारखंड ठीक है तो झारखंड को क्या हुआ है तो सर्वेक्षण 2020 में 100 से कम यू वाले राज्यों में से प्रथम स्थान मिला है ठीक है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की खिलाड़ी इंद्रानी राय किस खेल से जुड़ी है ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल ऑप्शन नंबर सी तिरंगा ऑप्शन नंबर डी हॉकी तो इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट ये जो राजकोट में आयोजित की जा रही है महिला वनडे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में झारखंड की टीम ने कर्नाटक को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और इस मुकाबले में इंद्रानी राय ने छियासी रनों की पारी खेली थी और निहारिका इंद्रानी राय दुर्गा मुर्मू दुर्गा पासवान रेशमी गुड़िया एवं आरती कुमारी झारखंड महिला क्रिकेट टीम की प्रमुख महिला खिलाड़ी खेला, रही हैं फ्रेंड्स ठीक है अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के खिलाड़ी सौरभ तिवारी ईशान किशन और अनुकूल राय आई की किस टीम से खेलते हैं ऑप्शन नंबर ए चेन्नई सुपर किंग्स ऑप्शन नंबर बी मुंबई इंडियंस ऑप्शन नंबर सी सनराइजर्स हैदराबाद या फिर ऑप्शन नंबर डी कोलकाता नाइट राइडर्स तो इसमें इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई इंडियंस अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हनुमान जी का जन्म स्थान झारखंड के किस स्थान को माना जाता है ऑप्शन नंबर ए बाबा धाम ऑप्शन नंबर बी अंजन धाम ऑप्शन नंबर सी शक्ति धाम या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंजन धाम ठीक है अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंशिक लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है ऑप्शन नंबर ए पंजाब ऑप्शन नंबर बी केरल ऑप्शन नंबर सी झारखंड या फिर ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल तो इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी झारखंड हाल ही में झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की थी ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज की जो स्थिति है हमारे देश में क्या हमारे पूरे विश्व में तो इसको देखते हुए आप कहीं भी जाएं तो बिना मास्क के बिल्कुल ना जाएं अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइज करते रहें ताकि आप को कोरोना से बच सकें चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहबर की राजजनी नामक पुस्तक के द्वारा लिखी गई है ऑप्शन नंबर ए कृतिका पांडे ऑप्शन नंबर बी सरयू राय ऑप्शन नंबर सी गिरिधारी राम या फिर ऑप्शन नंबर डी अनंत प्रसाद तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरयू राय रायबर की राजधानी नामक पुस्तक के लेखक पूर्व मंत्री एवं जमशेदपुर के विधायक सरयू राय हैं यह पुस्तक लो अयस्क घोटाले पर आधारित है सरयू राय के द्वारा लिखित गई अन्य पुस्तकें भी निम्न हैं एक लम्हों की खता जो 2020 में आई है दो समय का लेख जो 2017 में आई है अभिव्यक्ति मधु कोड़ा लूटराज या चारा चोर, खजाना चोर ये सारे क्या हैं तो ये सरयू राय के द्वारा लिखित गई कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ऑप्शन नंबर ए दो दशमलव सात दो प्रतिशत दो दशमलव तीन चार प्रतिशत दो दशमलव चार दो प्रतिशत या फिर दो दशमलव आठ दो प्रतिशत तो इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दो दशमलव चार दो प्रतिशत ठीक है अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर इस प्र आज का प्रश्न है कि रांची जिले का प्राचीनतम नाम निम्न में से क्या है ऑप्शन नंबर ए बिल्किनसगंज किशुनपुर Thank mm -hmm. ऑप्शन नंबर बी चुटिया नागपुर या फिर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों तो फ्रेंड्स आज की सीरीज में इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आगे की सीरीज में, है, में हम आपके लिए और भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे तो चलिए फ्रेंड्स इससे पहले क्लास को एंड करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों से रूबरू करा दूँ तो अपकमिंग जे और जे एस एंड मेन्स प्रिपरेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं पेड व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आपको नाइन्टीन रुपीज सिक्स के लिए लगा जा रहा है फ्रेंड्स और इसमें आपको लगाह मई से पंद्रह नवंबर तक फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी और अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एट नाइन एट सिक्स डबल सेवन टू सेवन डबल थ्री ज्यादा फे नहीं लग रहा है फ्रेंड्स ओनली नाइन्टी नाइन रुपीज फोर सिक्स मंथ और यहां से जुड़ने के बाद आपको बहुत ही फायदा होगा क्योंकि क्लास की पी वगैरह और सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे नोट्स आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे तो फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं है इसका पे टारगेट बस अपकमिंग जे और जे एस मेन के लिए है तो आप यहाँ से जुड़ के आप यहाँ से आपको क्या क्या कंटेंट मिलेगा आपको ये भी मैं बता दूँ तो आपको यहाँ से झारखंड करेंट अफेयर से संबंधित कंटेंट मिलेंगे झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के बारे में मिलेगा झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी मानसिक जांच क्षमता से रिलेटेड सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान से संबंधित और यहाँ पे आपको फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे आप खुद की तैयारी को आप जाँच सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद